What is a structure? Structure in C is a user defined data type that enable us to store the collection of different data types. ठीक है, C programming में structure क्या होता है, एक ऐसा user defined data type होता है जिसमें हम लोग different different data types के collection को रखते हैं. ठीक है, जैसे कि कल हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने नेम, मार्क्स, रोल नंबर, अलग अलग डेटा टाइप को बनाया था. वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डेटा टाइप के कलेक्शन को एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हैं जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर. जितने भी एलिमेंट्स उस स्ट्रक्चर के अंदर में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर. स्ट्रक्चर सी ए सिमुलेट्स द यूज ऑफ क्लासेस एंड टेम्पलेट्स as it can store various information. ठीक है, जनरली स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लासेस का यूज या फिर कोई टेम्पलेट का यूज करता है जिसमें हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, जनरली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके बनाया जाता है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके बनाया जाता है. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके अगर प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट जैसे मान के चलो स्टूडेंट है. ठीक है, स्टूडेंट हम लोग मान लिए, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, या फिर मोबाइल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक स्टूडेंट को डिफाइन करती है. ठीक है, हमने क्या बनाया, मान के चलो एक स्ट्रक्चर बना लिया BCA1. ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया BCA1. ठीक है, BCA1 क्या बन गया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया. अब उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 46 स्टूडेंट्स हैं, तो 46 स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन तो सेम ही होंगे. सभी के पास नेम होगा, सभी के पास रोल नंबर होगा, सभी के पास एड्रेस होगा, सभी के पास मोबाइल नंबर होंगे. लेकिन इन्फॉर्मेशन सबके पास होगा, लेकिन हर एक का इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं. अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है, तो ये एक प्रकार का डिराइव्ड डेटा टाइप होता है जो हम लोग किससे बनाते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके हम लोग बनाते हैं. ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में जब डेटा टाइप्स का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं. ठीक है, जिसमें हम लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारे हम लोग पढ़े और सीखे और उसी के हम लोग प्रोग्राम्स बना रहे थे. अब हम लोग क्या करेंगे, डिराइव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे. डिराइव डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करके बनाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने अभी अभी पढ़ा, तो स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, या फिर हम लोग उसको डिराइव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर. यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट, STRUCT, struct. ठीक है, struct कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. सिंटेक्स क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे struct और उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम. स्ट्रक्ट लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम. ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे दो कोई वर्ड्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग सेपरेट किससे करेंगे, अंडरस्कोर से कर सकते हैं या फिर हम लोग कैमल केस यूज कर सकते हैं.
जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है, जो एक वेरिएबल नेम के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर का भी नेम देंगे, ठीक है। फिर कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट्स हम लोग को लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेंबर डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप मेंबर वन, डेटा टाइप मेंबर टू, डेटा टाइप मेंबर एन, ठीक है। कितने भी एन नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे ले सकते हैं। मेंबर मीन्स वेरिएबल, मेंबर मीन्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे, और सारे अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स जो होंगे उसको एक ही नाम से डिफाइन किया जाएगा, जो एक स्ट्रक्चर का नेम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंटेक्स फॉलो करते हैं और उस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक स्ट्रक्चर का नेम है, ठीक है। एम्प्लॉय हमने क्या किया, स्ट्रक्चर का नेम दे दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले उसके तीन डिटेल ले लिए, ठीक है। एम्प्लॉय के थ्री डिटेल्स होते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी होगा, तो हम लोग आईडी के लिए क्या किए, हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिए, ठीक है, इंट आईडी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद नेम लेना है, कैर नेम हम लोग ले लिए, नेम और उसका साइज है 20। ये एक प्रकार का एरे है, नेम क्या है, कैरेक्टर का एक एरे है, मीन्स स्ट्रिंग होगा, ओके। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी हम लोग ने लिया, हम लोग उसको फ्लोट डेटा टाइप का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल हम लोग बनाए, ये क्या है, मेंबर्स, किसके मेंबर्स है, इस एम्प्लॉय के मेंबर्स, ठीक है। एम्प्लॉय क्या बन गया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया और उसके अंदर हम लोग तीन डिटेल स्टोर कर सकते हैं। कितने डिटेल स्टोर कर सकते हैं, थ्री डिटेल्स हम लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन से, आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर का हम लोग आईडी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी नेम जो है, यहाँ पे भी हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट सैलरी में सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब इस एम्प्लॉय को एज ए डेटा टाइप यूज करेंगे, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया, हम लोग इस एम्प्लॉय को एज ए डेटा टाइप यूज करेंगे, तब हम लोग इस एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को हम लोग दे सकते हैं, और हर एक वेरिएबल के लिए ये तीन इंफॉर्मेशन होंगी। मतलब हर एक वेरिएबल में हम लोग तीन इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। ठीक है, जब भी हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, जो इसके मेंबर्स होंगे, उसको मेमोरी कैसे मिलेगी, वो हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, ये मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल था, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इंट आईडी, कैर नेम, फ्लोट सैलरी, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के बाद ईएमपी नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। किसका वेरिएबल क्रिएट किया, इस एम्प्लॉय का एक वेरिएबल क्रिएट किया। एम्प्लॉय क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और हमने इस जस्ट ब्रैकेट के बाद ही इसका एक वेरिएबल क्रिएट किया। हम लोग वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बाद में ही क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाद में, मतलब सेमी कॉलन के पहले और इस ब्रैकेट के बाद में जितने भी हम लोग यहाँ वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, कॉमा कॉमा देके हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है, एम्प्लॉय का, ठीक है। इस ईएमपी का डेटा टाइप क्या होगा, एम्प्लॉय। ईएमपी का डेटा टाइप क्या होगा, एम्प्लॉय,
ठीक है, जैसे ये आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट है, वैसे ही इस ईएमपी का डेटा टाइप क्या होगा, ईएमपी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, एम्प्लॉय। ठीक है, तो ईएमपी के अंदर तीन डिटेल्स मिलेंगी, मतलब तीन टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आईडी, नेम और सैलरी, इस ईएमपी के अंदर तीन डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन से? आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, मतलब ये तीनों ग्रुप करके हम लोग को किसके अंदर मिल रहा है, इस ईएमपी नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईएमपी हमने बनाया, कॉमा देके मैं ईएमपी वन बना देता हूँ। ईएमपी वन के अंदर भी ये तीनों डेटा हम लोग डाल सकते हैं। ईएमपी टू मैंने बनाया, ईएमपी टू के अंदर भी हम लोग को ये दोनों, सॉरी तीनों डेटा मिलेगा। मतलब ईएमपी वन, ईएमपी टू, ईएमपी थ्री, जितना भी हम लोग वेरिएबल बनाते जाएंगे, ठीक है, सभी वेरिएबल्स के लिए इस इंट आईडी, नेम, सैलरी तीनों का इंस्टेंस क्रिएट होते जाएगा। इंस्टेंस मीन्स कॉपी बनते जाएगा, नई नई मेमोरी उसके लिए मिलते जाएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं, ये एक एम्प्लॉय क्लास का एक मेमोरी एलोकेशन डायग्राम है। ठीक है, कैसे मेमोरी एलोकेट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट आईडी बनाया है। ठीक है, इंट आईडी जो है मेमोरी नंबर 1000 से लेके 1004 इतना लेगा। ठीक है, इंट आईडी जो है वो कितना साइज ले रहा है, 4 बाइट का साइज ले रहा है। ठीक है, ये एक बॉक्स जो है वो 1 बाइट का साइज ले रहा है। ठीक है, तो इंट आईडी कितना लेगा, 4 बाइट का साइज लेगा, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेम है, नेम का साइज क्या है, 10, मीन्स वो 10 बाइट लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कितना साइज ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, 1005 से लेके 1014 तक लिया उसने। ठीक है, 1004 ये वाला पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद से 1014 तक उसने लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी क्या है, फ्लोट, ये भी कितना लेगा, 4 बाइट्स का साइज लेगा, और यहाँ पे 4 उसको अलोकेट कर दिया गया। तो 1014 से लेके 1018 तक साइज ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर के लिए भी कंटिजियस मेमोरी अलोकेशन किया जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे मेंबर्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये एज ए डेटा टाइप एक साथ मेमोरी असाइन कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग इस एम्प्लॉय का साइज देखें, यहाँ पे साइज ऑफ अगर एम्प्लॉय करेंगे, तो यहाँ पे 4 + 10 + 4 मीन्स 18 बाइट्स का मेमोरी ये ले रहा है। ठीक है, 18 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कैसे, साइज ऑफ इंट 4 बाइट है, साइज ऑफ कैर 1 बाइट है, यहाँ साइज हम लोग 10 दिए तो कितना हो जाएगा, 10 बाइट्स हो जाएगा। साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है, ये कितना ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, 4 + 10 + 4 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो टोटल इस एम्प्लॉय डेटा टाइप का साइज क्या होगा, 18 बाइट्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मेमोरी एलोकेशन होता है, और जो इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा या रैंडम मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है, पूरे मेंबर्स के लिए एक साथ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन किया जाता है। ठीक है, हियर स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड, एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, आईडी, नेम एंड सैलरी आर द मेंबर्स और फील्ड्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है,